हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे फिल्मोरा 9 को एक्टिवेट कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम। चाहे वो फिल्मोरा 9 का कोई भी वर्जन हो, आप उसे फ्री में एक्टिवेट कर सकते हो फॉर लाइफ टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दो फाइल्स दिखेंगे, एक है ये जिप फाइल, दूसरी है यही जो जिसे मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फिल्मोरा का जो पूरा सेटअप है वो आपको मिल जाएगा, जो कि है ऑलमोस्ट 260 MB का सेटअप है, वो आपको मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन जाके उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ना ऑनलाइन इंस्टॉलर जो मिलता है ऑफिशियल साइट पर, जो ऑनलाइन इंस्टॉलर मिलता है उसे डाल के आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ आपको एक फिक्स करके एक फ़ाइल मिलती है जिसके अंदर ये दो फाइल्स हैं, उन्हें भी मैंने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिल्मोरा के अंदर अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक यहाँ पे सोर्स फाइल डाल के रखी हुई है। पहले मैं आप पे हेल्प पे जाता हूँ, ऑफलाइन एक्टिवेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए पूछ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि फिल्म वंडर शेयर फिल्मोरा 9 अनएक्टिवेटेड। और एक बार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट करके ये पॉपअप आपको हर बार आते ही रहेगा, ये जो ऑफलाइन वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे फिर से पूछ रहा है एक्टिवेट करने के लिए, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। नो ओके। अभी आपको क्या करना है, ये जो फोल्डर है इसके अंदर ये जो दो फाइल्स हैं इन्हें आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी। उसके बाद आप इंस्टॉल, जब आप फिल्मोरा इंस्टॉल करोगे उसके बाद जो शॉर्टकट आता है, सभी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने के बाद एक शॉर्टकट निकल के आता है डेस्कटॉप पे, तो ये रहा फिल्मोरा का शॉर्टकट। इसके ऊपर मैं यहाँ पे इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन फाइल लोकेशन के अंदर जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी लोकेशन, मतलब जहाँ पर ये फिल्मोरा इंस्टॉल्ड है उसकी पूरी लोकेशन ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं उन दोनों जो फाइल्स है उन्हें पेस्ट कर दूंगा। देखिए, ये पहली फाइल है और ये दूसरी फाइल है। ओके, अभी मैं इसे कट कर देता हूँ और इसे भी कट कर देता हूँ। एक बार रिफ्रेश। अब मैं फिल्मोरा ओपन करता हूँ। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। अभी मैं इसे न्यू प्रोजेक्ट, ये वाला पॉपअप तो जैसे मैंने पहले कहा हर बार आते ही रहेगा। तो अभी मैं आपको वापस बताता हूँ, हेल्प के अंदर ऑफलाइन एक्टिवेशन, यहाँ पे आप देखोगे कि फिल्मोरा वंडर शेयर या वंडर शेयर फिल्मोरा, सॉरी वंडर शेयर फिल्मोरा 9 एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे मुझे किसी भी तरह का एक्टिवेट बटन, बाय का बटन, परचेस, ट्रायल वगैरह कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसे मैं कैंसिल करता हूँ और आपको वापस से एक सोर्स फाइल, इसमें मीडिया फाइल आपको डाल के दिखाता हूँ। मैच टू मीडिया। ओके, तो अभी मैं इसे एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। वापस से पॉपअप ओके कर देना है। देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इस डायलॉग बॉक्स पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं डायरेक्टली उस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मेरा वंडर शेयर का फिल्मोरा है वो पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड एज ऑलवेज कीप स्माइलिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए ताकि इस ट्रिक का मज़ा सभी लोग उठा सकें। बाय बाय।